सर एक मिनट यस सर बोला इसलिए आ गए मैं बोल के तो नहीं आता मैं मेरे मन में आया मैं कोई नहीं ना संजू होने लगे वही अंदर अरे विजुअल लेना है हां हां थैंक यू सर 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 सामने सामने सर सर वहां पे राजा पाए हैं आप इन दी एयर के रेस्टोरेंट में सो कैसा लग रहा है आर लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स लेकिन ये रेस्टोरेंट में क्या कुछ अलग है देखिए अभी पूरा देखा नहीं है मैंने पर लुक से लग रहा है कि कुछ सबसे अच्छी बात है कि ओपन है और दोनों आई थिंक दोनों बहुत चॉइस आर अवेलेबल अंदर भी है और बाहर भी है कोई भी चीज़ खुलती है तो कुछ लोग कुछ काम दिल से करते हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पहले ढाबा भी चल रहे हैं काफ़ी चल रहे हैं एक्चुअली इन्होंने दिल से बनाया जो मैं डेकोर देख रहा हूँ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको यहाँ पहले आया था मैं लेकिन दूसरा कुछ था लेकिन ये आया है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है होगा और बहुत से लोग आने वाले हैं तो फिर बहुत पब्लिसिटी से लोग यहाँ आएंगे एंजॉय करेंगे तो आपको मौका मिलेगा तो आप भी इंजॉय कीजिए सर आपके कामों को बहुत लोगों ने सराहा है आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं अब तो OTT भी आ गया है सो आप फिर से एक बार कब देखेंगे मैं कर रहा हूँ मैंने एक पहले भी OTT किया था अभी रोहित शेट्टी जी के साथ कर रहा हूँ जो पुलिस के ऊपर बन रही है वो है सलमान साहब की फिल्म है वो कर रहा हूँ और पंजाबी दो फिल्में हैं वो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जहाँ मौका मिलता है करने का कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छा करें तो अभी OTT इज़ ए न्यू प्लेटफॉर्म तो हम भी उसके लिए ओपन हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें काम करने में अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी कि OTT एक अनदर इंडस्ट्री क्रिएट हो गई जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं दिस ईयर 75th इंडिपेंडेंस डे है एंड वी हैव अ थीम हर घर हर एक तिरंगा जी बिल्कुल बिल्कुल सो आपको क्या लगता है इससे कितने मोटिवेट होंगे सभी लोग कितने जागरूक बहुत ही कमाल थॉट है मैंने उस वक्त भी एक छोटा झंडा खरीदा था जब गवर्नमेंट ने कोर्ट ने से ओके कर दिया था कि आप घर में रख सकते हैं उस वक्त भी मैंने लेके रखा था और इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ मुझे सबसे बड़ी चीज़ इस झंडे वाले खेल में क्या लग रहा है कि सारा देश एक होता है देखिए हम इतना कुछ सेलिब्रेट करते हैं हम लोग मदर्स डे फादर्स डे वैलेंटाइन डे क्यों नहीं इस दिन को ईयरली सेलिब्रेट किया जाए और ये समझ के कि झंडा दिवस है तो है क्या एक भावना है ना अपने देश के लिए तो अगर इसके लिए एकजुट होके साल में एक बार अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बहुत बढ़िया शुरुआत है लास्टली सभी फैंस के लिए क्या मैसेज होगा सॉरी किसके लिए सभी फैंस के लिए जो प्यार दे रहे हैं या उनका हमेशा फैंस तो बेचारे कुछ ना कुछ भी हम करते हैं तो वो लोग उसको रिएक्ट करते हैं उनको अच्छा लगता है मिलते हैं तब बताते हैं फैंस के बिना कहाँ चलेगी जाना तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग टाइम टू टाइम बताते भी रहते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए तो हम लोग ऑल द बेस्ट मैम इधर सामने टेकओवर किया है जो ऑलरेडी रेस्टोरेंटर्स हैं उनको एंटरटेनमेंट कैसे करना है हॉस्पिटैलिटी की बिजनेस में वो पहले से है सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट न्यू दे आर गोइंग टू बी डूइंग हियर एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि बहुत खुला खुला है इट्स वेरी ओपन एंड इट्स डेफिनेटली अप इन द एयर सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा उस वक्त किस तरह का मूड है कभी हमें कोजी
एटमोसफेयर चाहिए होता है जब जस्ट मी एंड माई सन आर गोइंग समटाइम्स यू वॉन्ट टू बी पार्टिंग विद फैमिली फ्रेंड्स सो यू वॉन्ट अ नाइस ओपन प्लेस विद लवली म्यूजिक सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट थिंग सो एट द मोमेंट आई एम एज यू ऑल नो आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड सो एक्टिंग थोड़ी सी बैकसीट पर चली गई लेकिन एज एन एडवोकेट आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ इन द कोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड आउटसाइड Come here and join this whole, you know, lovely atmosphere. Enjoy yourself and feel like you're up in the air. सर सर इधर इधर सामने आ जाइए सर सब लोग हाँ वहीं 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 बस बस यहीं पे इधर इधर सर सामने सामने क्या हो गया अभिषेक भाई होल्ड प्लीज हट जाओ हो गया फोटो हो गया तो वीडियो के लिए भाई हटना यार हट जाओ फोटो के लिए अभिषेक भाई एक मिनट अभिषेक भाई हट जा अभिषेक भाई एक सेकंड अभिषेक भाई अरे आना यार मेरे लग रहा है बार बार अरे यार मैम लो आनंद देख लेना हट जा दिनेश भाई हटो दिनेश भाई बोल दिया करो प्लीज जरा रुकने के लिए ओके डन 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 आइए चलो एक साथ आइए आइए एक साथ क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले नाइट लाइफ कैसे एंजॉय करना पसंद करते हैं नाइट लाइफ का पता नहीं रहता 10 बजे के बाद सो जाते हैं 10:30 बजे हम लोग सो जाते हैं लेकिन बहुत स्पेशल लोग हैं जिनके लिए नाइट में आते हैं अभी परसों सिंध सिटी में एक फंक्शन था किसी का कुछ कौन सरदार उसका गाना आता रहता है बार बार हाँ करेक्ट उसने बुलाया फिर ऐसे बहुत लोग बुलाते रहते हैं तो हम लोग नाइट लाइफ है नहीं हमारी बहुत स्पेशल लोगों के लिए है तो संजय जी जो है इनका जो एक ढाबा है यहाँ पे क्या बोलते हैं ओशीवारा में प्रताप का ढाबा क्या खाना मिलता है वहाँ पर तो खाने से हमारी खाने के बाद इनसे दोस्ती हुई और इनका बोलते इनका क्विजीन बहुत अच्छा है मेन्यू बहुत अच्छा है और हमको खाने का बहुत शौक है और इनसे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है फैमिली रिलेशन है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ये इसका क्या नाम है आप इन दी एयर अच्छा है अभी मैं देखूँगा अभी अंदर गए नहीं हम कश्मीरा आप देखते रहते हैं इनसे फिट कोई है ही नहीं हमारी फैमिली के अंदर
और जितने स्विमिंग पूल पे इनकी फ़ोटो होती है हमारी अलग स्टूडियो के अंदर होती है, स्विमिंग पूल पे सबसे ज़्यादा इनकी, क्योंकि आई थिंक शी इज़ द हमारे लिए इंस्पिरेशन ही है, क्योंकि इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? पूछ रही है, इनको पता नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या क्वेश्चन पूछा था वो पूछ रही है आप। हाँ, तो वो क्विजीन बॉडी से रिलेटेड होता है, तो पराठे, मैं पराठा सैलेड दोनों, क्योंकि मैं बीच में हूँ, ना ज़्यादा बाहर हूँ ना ज़्यादा अंदर हूँ, ये सैलेड और टू मच सैलेड। आरती जी अभी स्विट्जरलैंड में थी, अभी आपने देखे होंगे इनके पोस्ट वोस्ट, ये 8-10 दिन स्विट्जरलैंड में घूम कर आई हैं और इन्होंने स्विट्जरलैंड की बहुत चीज़ खाई है, तो अभी कल से ये डाइट पे जाने वाली हैं, ऐसा हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे। तो इन्होंने बोला आज मेरा लास्ट, स्विट्जरलैंड और मडेलैंड में क्या बोला? मुझे इंडियन फूड का तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर पे जो ये खाना बनाता है आई डोंट थिंक सो, हमारे मुझे आई नेवर गो टू रेस्टोरेंट बिकॉज ये रेस्टोरेंट के शेफ्स मेरे घर पे बैठे हैं, ये इनफ है हमारे घर के लिए। सो मैं एक्चुअली ये हमारे घर पे यही शेफ एंड आई वुड लाइक टू से नहीं, मैं कहां पकाता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं। मैं नहीं पकाता, ये लोग पकाते हैं, मैं तो अच्छा काम करता हूं। हां, जैसे सबको लगता होगा कि बिकॉज सबके हमारे घर पे शेफ्स होंगे और हमारे घर पे कुक नहीं, they make the food every day for everyone. नहीं, but I think कश्मीरा जितनी फिटनेस भी है और खाना भी बनाती है, as housewife भी she's I think wonderful. Housewife भी wonderful और as a model भी wonderful. हाँ, producer है. Yes. नहीं नहीं, मैं producer, पैसा क्या बात करें, पैसा मेरे पास है। हाँ जी, किसमें मेरे को नहीं, पॉसिबल ही नहीं, अभी हमारा कपिल शर्मा शो शुरू होगा और आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट शो इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। आई थिंक अगर कॉमेडी शो की बात करो तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट शोज है, मैं किसी और शो में नज़र नहीं आऊँगा, सिर्फ कपिल शर्मा शो मेरा सबसे फेवरेट, पूरी टीम, और हम लोग अभी वापस आने वाले हैं बहुत जल्द। अपकमिंग प्रोजेक्ट इनका, इनकी बिल्डिंग के सामने एक बहुत लंबी बिल्डिंग आ रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है अवीरा देसाई रोड पे, बढ़िया बिल्डिंग आ रही है, आप देखना। 15 अगस्त 75th इंडिपेंडेंस डे, आई थिंक इंडिया इज, अरे हमारा कंट्री, हम 75th भी होता तभी भी मनाते हैं ना, आई मीन चार कंट्री वी आर प्राउड ऑफ इट। और हमारे डैडी, आई थिंक मैं एक शो करता हूँ OMG मेरा इंडिया, तो वो जो OMG फैक्ट्स है, मैंने अभी एक मेरा एक रील देख रहे होंगे आप मेरे इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे, हिस्ट्री टीवी ने भी डाला है कि अगर हम हिंदुस्तान में किसी भी कोने में घूम लें, अभी हमारी टीम हिस्ट्री टीवी की घूम रही है, हमारा 8th सीजन आ रहा है OMG का, हमारे जो CEO है अविनाश कॉल हिस्ट्री टीवी के, तो मैं उनसे बात कर रहा था बीच में, तो उन्होंने बोला कि ये शो कभी, मैंने बोला सर मैं चाहता हूँ इसके बहुत सारे सीज़न आए, बोलते इसके बहुत सीजन आएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में जो है टैलेंट और खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और बींग वेरी जेन्युइन हम लोग, मैं शो की भाषा बोल रहा हूँ, बट आई थिंक ठीक है मैं एक्टर हूँ तो मैं शो की भाषा ही बोलूँगा, तो इंडिया इज़ OMG और OMG देखते रहिए। इधर डॉक्टर नहीं, हम कोई बीमार नहीं, हम कोई डॉक्टर नहीं, हमारे थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू रानी जी।
Well, I think it's a very bold thought, बहुत अच्छा है and I finally up in there यहाँ पे मिल गया है. मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ कई बार and मैं आशा करता हूँ ये जगह बहुत रॉन्ग करेगी. ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि मैं अभी सूरी जी से मैं बात कर रहा था कि मैं अपना नेक्स्ट फैशन शो यहाँ पे मैं हाई सोसाइटी लेडीज़ के लिए थ्रो करूँ. जो साउथ बॉम्बे की जो हमारी जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी जो रिच औरतें हैं जिनको सब वो बहुत वो लोग अंडरस्टमेट करती हैं, ताकि आई शुड गेट ऑल ऑफ देम ओवर हियर एंड लेट्स होस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल फैशन शो एंड आई थिंक सो दिस प्लेस रॉक्स. Well, I'm a very, very kind of a person. I enjoy every cuisine. मैं बहुत देसी हूँ, जो मेरी personality बहुत international है, पर you know, मैं बहुत दाल चावल और दाल मखनी को prefer करता हूँ, तो obviously, and I also like sushi a lot. So there's a combination of both. So I am a complete foodie, and I'm sure the food over here will be as up in the air. So I think so, I'm very looking forward. Well, I would like to think about my legal team, but I think so. जब परिवार होता है तो झगड़े भी होते हैं, जब परिवार होता है तो प्यार भी होता है. तो ये मेरे परिवार का मामला है, तो मैं उसको लाइक कोर्ट में छोड़ देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. चलो आनंद, फोटो चाहिए, फोटो एक्शन, फोटो फोटो. अरे लाइट मिल रही कि नहीं यही पर आनंद यहाँ पे सामने आरती जी सामने First of all, congratulations to the owner of Up in the Air. I'm glad to be here. Abhi season change ho raha hai, sardiyan aane wali hai, all the festivities going to start. So naturally, it's time to party. I love to party. Mujhe maza aata hai party karne mein. But aajkal mahol itna mazedar nahi hota hai जैसा पहले हुआ करता था. आपको सबको पता है 1900s and RATC and all those used to be the places. I hope this place rocks. It attracts more positivity, more fun, more variety for all the night goers. And I'm looking forward to entering this place and having some fun. मैं मेरी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ. आई वर्कआउट एवरी डे फॉर 1 आवर. आई वेक अप अर्ली एंड आई डू मेडिटेशन एंड योगा. आई बिलीव योगा होगा तो ये जिंदगी में मजा होगा. राइट, आई गॉट योर आंसर. थैंक यू. हाँ जी, 15 अगस्त. हाँ जी, इंडिया का तो हर घर घर में तिरंगा हम मना ही रहे हैं, सेलिब्रेट कर ही रहे हैं. 2 अगस्त से मोदी जी ने बोला है 15 अगस्त तक. पर मेरे दिल में तिरंगा और मेरी जिंदगी में भारत माता के लिए मान सम्मान हमारे जवान के लिए, हमारे किसान के लिए हमेशा है, हमेशा रहेगा. मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार नहीं करती हूँ. आई सेलिब्रेट इंडिया थ्रू आउट माई लाइफ थ्रू द ईयर. जय हिंद. थैंक यू. अरे मैम आ गए. आइए.
मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी जो इस पार्ट इस लॉन्च के पार्ट है ओनर्स को स्पेशली और जो मैनेजिंग कमिटी है जो मैनेजर्स हैं जो सब लोग एसोसिएटेड इस जगह से मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतनी अच्छी जगह उनके लिए मैंने अब तक देखा नहीं है वो अलग बात है बट एक बहुत ही अच्छी जगह है ये बहुत ही अच्छा वेन्यू है और सबसे ज़्यादा पब्स और सारे क्लब्स इसी जगह है आई थिंक इज द बेस्ट प्लेस टू ओपन अ नाइस लाउंज आई होप कि बहुत अच्छा चलेगा लोग बहुत ज़्यादा आएंगे नाइट लाइफ बहुत अच्छी होगी सारे यंगस्टर्स आएंगे और पार्टी नो आई एम जस्ट एक्चुअली आई जस्ट गॉट मैरिड रिसेंटली सो मेरी अभी एक रिसेप्शन कम्प्लीट हुई है लास्ट मंथ अभी एक रिसेप्शन है तो वो कम्प्लीट होने के बाद डेफिनेटली आई एम ईगर टू मेक सम शो सो बस अभी उसी का वेट कर रही हूँ सर मैं मेंटली फ्री हो जाऊँ उसके बाद हाँ जी चलो यार रुको ना एक्सपेक्टेशन पर संजय जितने रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं इतने सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खुल चुके हैं तो एक्सपेक्टेशन तो नेचुरली बहुत ऊपर है अच्छी बात है कि वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करते हैं तो मेरी बेस्ट विशेज है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला तो मैंने सोचा मैं अपना ऑफिस भी यही कर लेता हूँ मेरा ऑफिस भी यही है क्योंकि खुशबू आस पास आती जाती रहे तो ये रेस्टोरेंट सिर्फ संजय का नहीं जो कुछ संजय का है मेरा ही है तो वुड लाइक टू विश हिम एंड हिज फैमिली ऑल द बेस्ट और कोई डाउट नहीं है कि इससे बढ़िया चलने वाला रेस्टोरेंट मुंबई में कोई नहीं होगा और दैट इज़ विश्वास और मैं हमेशा से साथ में रहूँगा और मेरे मेंटोर हैं मेरा गाइड फैमिली है हम लोग फैमिली है हम लोग फैमिली है तो सब लोगों की बेस्ट विशेज चाहिए ताकि और अच्छा और बढ़िया हो और ऐसे ऐसे इससे और भी बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट खोले थैंक यू जी नाम से ही पता लग रहा है अप इन द एयर एंड जितना माहौल अभी मैं देख रही हूँ सुंदर एंड काफी वाइब्रेंट है एंड वी आर लविंग द एटमॉस्फेयर एंड द एम्बियंस विद दिस बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं इस टाइम बोरीवली में है हम लोग सबसे बड़े ग्राउंड में है और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियल हम लोग करने वाले हैं और धमाका तो जैसे वो एक सरप्राइज एलिमेंट ही रहेगा आप लोगों के लिए थैंक यू संजय वेरी वेरी डियर फ्रेंड जिनका रेस्टोरेंट है उनके जो भी रेस्टोरेंट होते हैं द ढाबा और एक वाइल्ड ऑर्किड्स वाइल्ड फॉरेस्ट या उनके कमाल के होते हैं और इतने सालों से आई नो हिम सो वेल ही इज़ अ बिग रेस्टोरेंटर ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फूड एंड ही हिमसेल्फ ओवरलुक्स एवरीथिंग ही सुपरवाइजेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन सो आई एम श्योर ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा होगा रेस्टोरेंट का बार इज गोइंग टू डू वेरी वेल इट्स ऑलरेडी अप इन द एयर सो आई एम श्योर फ्रॉम हियर इट विल गो फर्दर अप एंड आई हैव कम हियर टू एंजॉय टुडे एंड लेट्स होप या माय वन मूवी इज गोइंग टू बी रिलीजिंग सून ऑन वन ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वन ऑफ द नेटफ्लिक्स और इवन अमेजॉन सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट And there were a lot of scenes in the film which were shot in rooftop restaurants. So
I wish this place was available earlier. We could have shot here. It's a beautiful restaurant. So looking forward to the release of my film, and all the best to Sanjay and his team for this lovely restaurant. Thank you. नाना नाना नहीं यार, पूजा जी ये कैमरा पूजा जी इधर एक मिनट, पूजा जी एक होल्ड, हाँ होल्ड होल्ड प्लीज पूजा जी होल्ड। Yeah, okay, done.